इस प्यार के सदके। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी कॉन्फिडेंट लड़की ना इसकी जिंदगी की पार्टनर बन जाए, ताकि तुम दोनों शाना बशाना साथ चल सको। एग्रीड, 100% एग्रीड आंटी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका बेटा मासूम है, कुछ ज्यादा ही मासूम है। यू नो व्हाट आंटी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये कॉन्फिडेंस देने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है? नॉट माइन। हाउ कैन आई गिव हिम कॉन्फिडेंस? I'm confident. Yeah, right. इसीलिए अपने घर की औरतों की फौज उठा के लेके आए हो मुझे प्रपोज करने के लिए, बजाय इसके कि एक लड़की को अपने बलबूते पे तुम प्रपोज कर सको। यू हैव अ टीम ऑफ वेमेन विद यू। आंटी, आप मेरे जैसी कॉन्फिडेंट लड़की की बात कर रही हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि आपके इस बेटे से तो ना कोई पागल लड़की भी शादी ना करे। एक मिनट, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? और आप लोग किसकी बकवास सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुनेंगे? Do you have any idea कि मैंने तुम्हारे इस मासूम भाई की बकवास कितनी सुनी है? कितने अरसे इसने मुझे टॉर्चर किया? अब्दुल्ला, तुमने बताया नहीं किसी को कि तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया? ऑफ कोर्स, क्यों बताएगा, मासूम है ना ये तो। बट लेट मी टेल यू गाइस, इसने मुझे एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, कोई 100 दफा कॉल करके टॉर्चर किया इसने। अलग अलग नंबर से पता नहीं मैंने कितने नंबर ब्लॉक किए थे। वेट, लेट्स नॉट फॉरगेट द धमकी। तुम्हारे इस मासूम भाई ने और आपके इस मासूम बेटे ने मुझे घर से उठवाने की धमकी दी थी। And Abdullah's sister, right? Bashma. अगर तुम्हारे साथ कोई लड़का ऐसा बिहेव करे तो तुम क्या करो? मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। Exactly my point. But your brother is still in one piece. रो रहे क्यों अब्दुल्ला? आई थॉट तुम तो कॉन्फिडेंट थे। ऊपर देखो, मेरी आंखों में देख के बात करो। अब्दुल्ला, लुक अप। आई सेड लुक अप एंड टॉक टू मी। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए ना, जाओ दिया, लेकिन एडवाइस बहुत काम आएगी तुम्हारी। जिंदगी में इस काबिल हो जाओ कि खुद अपने बलबूते पे किसी लड़की का हाथ पकड़ के उससे पूछ सको, विल यू मैरी मी? किसी के सहारे के साथ में। और एक और टिप, इंपॉर्टेंट है थोड़ी, हाँ,
Be careful. Make sure कि वो लड़की तुमसे financially और intellectually थोड़ी सी कम हो. वरना नहीं चले. And last one, I promise. सहारा हमेशा उसे देना जिसे तुम्हारे सहारे की जरूरत हो. I am definitely not the one. I think that's enough. इतने सारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया. Well, no hard feelings. And it was nice to meet you all. Same here. ऐसा करते हैं, मेरे घर चलते हैं, वहाँ चल के चाय पियेंगे. वो मुंशी जी की बेटी की शादी का क्या होगा? नहीं, तुम जाओ, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं घर जाऊंगी अब. मैं जाऊंगा. Are you sure? मैंने मुंशी जी से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी बेटी की शादी में जाऊंगा. आई थिंक वी शुड गो. ओके. मामा, चची आई हैं. मुबारक हो. आपको भी मुबारक हो. बैठे ना बैठे. अम्मा मामा, मेरी टीचर आई है. अस्सलाम वालेकुम टीचर. अस्सलाम वालेकुम. आइए ना. आइए. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? बैठिए ना बैठिए, आराम से बैठिए. अम्मा, मेरी आनी आ गई. पागल हो गई है क्या? अम्मा, टीचर के सामने तो आराम से बात करो. वो क्या है कि मेरी मिस को ना बहुत भूख लगती है. क्लास में भी ना बार बार खाना खाती रहती थी. और मेरी सहेलियों का चेहरा तो देखिए कैसा लटका हुआ है. इसलिए तो पूछूं कि बिरयानी कब आएगी. अम्मा, बिरयानी कब आएगी? अब्बा, बिरयानी कब आएगी? आ जाएगी बेटा. समझिए, बैठिए आराम से. कब से कॉल कर रहा हूँ, वो डॉक्टर की माँ को फोन ही नहीं उठा रही. ना क्यों नहीं उठा रही? दोबारा करे ना. करे मिला. टीचर, आप तो बड़ा खुश होंगी मेरी शादी हो रही है. आपकी जान भी छूट जाएगी मुझसे और मेरी आपसे. अम्मा अम्मा, मेरी सास आ रही है. इसे क्या हो गया? मेरा तो बुढ़ापा ही रुल गया. मैं बर्बाद हो गई. हैला, क्या हुआ? डॉक्टर अहमद मर गया क्या? हाँ, डॉक्टर साहब तो ठीक है ना? खैर नहीं भाई साहब, ये शादी नहीं हो सकती अब. हैला आंटी, कैसे नहीं हो सकती? क्या आप बोले चले जा रही हैं? शादी नहीं हो सकती? मैंने तो अपनी सारी किताबें और बैग 3 डब्बे वाले को बेच दिया, वो भी मुफ्त में. अरे अरे, तूने तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी लड़की. थाल में सजा कर पेश कर दिया अपना दूल्हा. वरना मैं तो सज धज के तैयार खड़ी थी बारात लाने को. अरे भाई साहब, मेरे घर में तो मेहमान तक आ चुके थे. बहन, हुआ क्या है? बताएंगी, हुआ क्या? अरे भाई साहब, ये जो आपकी बावली बेटी है ना, इसने अपनी चलेतर सहेली के साथ मेरे बेटे की दोस्ती करवा दी. अरे कौन सी सहेली? अरे वो नीलो. और कौन? आंटी, उसको तो कुछ ना कहो. वो बेचारी तो मेरी शादी पे आ भी नहीं सकी. देखिए, सारी सहेलियां आई हैं. हाय अल्लाह, ये देखे इसके बावलेपन को. अरे बन्नो, वो शादी में इसलिए नहीं आई कि उसने खुद जाके तेरे दूल्हा से शादी कर ली. वरना बहन जी, मेरा बेटा तो दूल्हा बन के तैयार खड़ा था. अरे मैंने तो अपने हाथों से उसे सजाया था भाई साहब. लेकिन अचानक फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया. हाय हाय, वो चंडाल नीलो भी उसके साथ थी. कह रहा था अम्मी अभी मस्जिद से निकाह करके आया हूँ. मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी बहू मिलेगी. अरे अरे, तूने अटकाई चंडाल उसको.
अजीब बात कर रही हैं आप। शादी आपके बेटे ने की है, ना कि आप शर्मिंदा हो, उल्टा हमारी लड़की को धमका रही है। अरे इसे न धमकाऊं तो किसे धमकाऊं? अरे हम तो जानते तक नहीं थे उस लड़की को, और वो क्या कहते हैं मनुस मारी फेसबुक, वो और अपने नंबर सारे उस लड़की को दे दिए। अरे अपना दूल्हा भी काबू में न रख सकी पावली, थाली में पेश करके दे दिया। भाई साहब ये वो लड़की नहीं जो पल्लू से अपना खाविंद बांध कर रखे, अब बिठा के रखे सारी उम्र कुंवारा। अरे सविया बहन ये तो है ही बावली, इसे क्या पता था अस्तीन में सांप पाल रखा है इसने। हम तो कहते ही इसे पगली है, देख लिया अब तुम्हारी वजह से क्या हुआ। भाई मेरा बेटा तो मुस्तकिल कहे जा रहा था कि अम्मी लड़की बावली है पागल है, लेकिन नहीं मैं ही दबाती जा रही थी उसे। अरे वो नीलो है ना, उसने इसके सारे चिट्टे पिट्टे बता दिए। अरे भाई ऐसे ऐसे ऐप गिनवा दिए कि मेरा बेटा तो थाई मर्द अकड़ के बैठ गया, और वो दुल्हन बनकर आ बैठी घर में मेरे। इश्क करेगा बोल सकता नहीं है, चल सकता नहीं है, इश्क करेगा। This is no way. नहीं शादी करनी है तो ना करें, इस तरह इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे बेटा नाराज ना हो, मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि बेवकूफ है। क्या क्या बेवकूफ, फर्क नहीं पता आपको मासूम होने में और बेवकूफ होने में? अच्छा बेटा ऐसी बात है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? बोलो आप, बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो ना करोगे इससे शादी? जीना सकेंगे सनम। अरे सांप क्यों सुन गया, बोलो ना कुछ। मुझे पैसे क्यों दे रहे हो तुम? चावल चुनने आते हैं? तो आता क्या है बावले? अब्दुल्ला बताओ कैसी लग रही है? और अगर ना बोला ना तो मैं शादी कर लूंगी। राहत में भी दर्द में हो, राहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। ये तो मुंशी के बच्चे को तो ना रोड पे ला, रोड पे, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा, इसे पता चले कि किसका रिश्ता ठुकराया इसने मनुस मारे ने। हैं क्या हुआ? अगर खेला नहीं तो खेल बिगाड़ जरूर इसका। क्या फायदा शादी उसकी, ना जाने किस खुशकिस्मत इंसान की नसीब में हो। हुई शाम से क्या कहे,
जिंदगी में इस काबिल हो जाओ कि खुद अपने बलबूते पे किसी लड़की का हाथ पकड़ के उससे पूछ सको, विल यू मैरी मी? सहारा हमेशा उसे देना जिसे तुम्हारे सहारे की जरूरत हो। तुम शादी करोगी मुझसे? अगर बेवकूफ हो तो नो प्रॉब्लम, फेर की होती हो तो भी नो प्रॉब्लम। मैं ना मैट्रिक की इम्तिहान नहीं देना चाहती, और मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। भले भले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई कोई बात है। फिर भी कर लोगे शादी? तुम करोगे मुझसे शादी? कबूले बाबले, कबूल है, कबूल है। मुझे भी चलें। हमारा मामला तो हल हो गया, अब आप यहां से जा सकती हैं प्लीज। ठीक है भाई साहब। वो भाई साहब, मैं आपकी गाड़ी ले आई हूँ। हाँ, लेकिन ये जो महजबी ने जेवर पहना हुआ है ना, ये उधार का है, वापस देना है, तो ये प्लीज़ भेज दीजिएगा। चलें जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम अपने सदमे के साथ जी लेंगे। कौन है? बोझ मत, कोई जरूरत नहीं उठाने की। मुन्ने, मैं तुझे बता रही, इस औरत से शादी कर, घाटे का सौदा था, घाटे का। बस कर अम्मा, आज तो मुझे भी घाटे का सख्त एहसास हो रहा है। अपनी निकाह की फिक्र करो, सरवर को हम सरप्राइज देंगे। नाराज हो गए तुम? अब्दुल्ला, तुमने ट्राई कर लिया ना, अब वो फोन नहीं उठा रहे तो उन्हें मत तंग करो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारे शादी के सरप्राइज से बहुत खुश होंगे। जब तुम उन्हें यकीन दिलाओगे कि तुम फाइनली मूव ऑन कर गए हो, अपनी उदासी से निकल आए हो। हाँ हाँ, वक्त मोहब्बत अंधी क्यों होती है अम्मा? उम्र तक दिखाई नहीं देती। अंधी तो बेटा लालच भी होती है, उम्र तो उसे भी दिखाई नहीं देती।
कोई तो मरेगा नहीं। बिरयानी को दीजिए, बिरयानी खा के जाएगा आपको। तेरा दिल बहला सकता है, दिल लगा नहीं सकता। हाल देख अपना, हाल देख अपना। अरे कैसा घेरा डाला तेरे दिल ने तुझ पे, जिसको बरसों पहले तूने बर्बाद कर दिया था। अब देख ये मुन्ने बदला ले रहा है तुझसे, वो बदला इंतकाम जिसको कहते हैं, और धक 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 करके पता क्या कह रहा है तुझे, क्या कह रहा है तुझे कि बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो निकाह भी हो चुका होगा। जो वैसे ऐसा नहीं है कि इस घर में पहले मैं आई नहीं हूं, आई तो कई दफा हूं, लेकिन अब्बा जी ना इन जगहों पे घुसने ही नहीं देते थे मुझे। मैं आपकी जगह होती ना तो रक्षा ले लेती अपना। आपको रक्षा चलाना आता है? नहीं, नहीं। हमारे मोहल्ले में ना चाचा रशीद थे, उनका अपना पर्सनल रक्षा था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर हमाद को पता नहीं रक्षा चलाना आता होगा कि नहीं है। अरे वाह 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 भाई, कमरा तो बड़ा अच्छा है। ये बस बड़ा अच्छा है। थैंक्स। बैठे आप। अरे अरे भाई देखो तो सही, मेरे पास भी सेम टू सेम ऐसा ही जोड़ा है। जो इसके सूटकेस में दिखाऊं? बीबी जी मैं आपके कपड़े निकाल दूं? नहीं 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 नहीं, अम्मा ने कहा है कि शादी के बाद सारा काम खुद ही करना है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है ना। हाँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शादी इनसे हो जाएगी। वैसे अगर डॉक्टर हमाद से हो जाती तो आप जाएं। एक काम कर, तू उसे जज्बात की मार दे, जज्बात की। ऐसा ही करता हूं मैं, वरना रोज तेरे सामने आके ना तेरे ताने सुनता रहता है। ताने? मैं तुझे ताने देती हूं? और क्या, दुआएं दे रही है? सच बोल रही हूं। हाँ आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा था, और जो हाथ पकड़ने वाली बात थी ना, हर वक्त हाथ पकड़ने को नहीं कहता मैं, उनका मतलब कुछ और था। क्या? वॉशरूम जाऊँ प्लीज? हाँ हाँ हाँ। Thank you.
तुमने? वासुर को दूसरी ढूंढ ले, तू कहे तो पुराने महल में बात चलाऊं, क्यों उम्र गंवा रहा है अपनी? ये मंसूरा बेगम तो मरने से रही, मैं तो कहती हूँ जो करना है इसके जीते जी कर डाले। ये बात सुन, कोई नाम लेवा नहीं रहेगा तेरा, नस्ल खत्म हो जाएगी नस्ल। कौन सी इतनी आला नस्ल है माँ के, खत्म हो गई गजब हो जाएगा। Abdullah's message. What does he want from me? What is he up to now? Oh my God. Oh, thank you. I was just wondering कि अगर सर्वर वहां होता तो ये शादी ना होने देता। बिल्कुल होने देता। इनफैक्ट आई एम श्योर वो हमेशा से यही चाहता होगा कि अब्दुल्ला के लिए कोई यू नो सिंपल सी बेवकूफ सी लड़की है। आई मीन तुम खुद सोचो, जिंदगी भर तुम तो उसे हजम हुई नहीं, वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि अब्दुल्ला की कोई स्मार्ट सी बीवी आ जाए। मैं उसे ग्रूम कर दूंगी। वशमा, ग्रूम तो दूल्हा को नहीं कहते। नहीं उठाएगा, झूठ जो बोल रहे, झूठ पकड़ा जाएगा ना। मतलब यार I can't believe के किसी के भी शादी में घुस के तस्वीर खिंचवा लो। फोन कहाँ है मेरा? फोन फोन किसने रखा है? पता नहीं। किसकी दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हो? मेरी मेरी दुल्हन है। राइट। अब तो तुम ये भी कहोगे कि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है। नो, आई एम मैरिड ऑनेस्टली। अब्दुल्ला, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि इतने अर्जेंट बेसिस पे दुल्हन मिलती कहाँ से? तुमने तुमने कहा था ना शादी कर लो,
ढूंढ ली। अब्दुल्ला प्लीज यार, अब बस कर दो मजाक, मुझे बताओ असल बात क्या है। सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा। आओ वीडियो कॉल पर आओ। अब तो तुम करो, मुझे देखनी है। ये माजबीन अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय यकीन। अब्दुल्ला ये कहाँ से लाए हो तुम दुल्हन? तुमने कहा था ना ऐसी लड़की से शादी करो जो जो तुमसे नीचे की हो, जिसका मैं ख्याल रखूं। ढूंढ ली अपने लिए। अब्दुल्ला मुझे सच सच बताओ कौन है ये हमारे मुंशी जी की बेटी है। आज शादी थी इसकी, इसका दूल्हा छोड़ के चला गया। इसको बोलता है भी वो बहुत बड़ी फूल है, डम्ब है। मैंने की है शादी फिर इससे। ओके गुड नाइट। क्या हुआ है? रोक रही हो? बताओ बताओ क्या हुआ? बोलो। वो ना एक बात याद आ गई थी, पुरानी बात। क्या? हमारे ना स्कूल में रुपए वाला सिक्का होता था और चीज ब्रेक में ना सब जाते थे चीज लेने के लिए और थकम थकी होती थी बहुत। मालन थी तो वो छोटी सी रेड़ी लगाती थी और उस पर चीज़ें बेचती थी और हाँ तो थकम थकी होती थी और सब ना मुझे थका देखे खुद चीज़ें ले लेते थे अपनी, मेरी कभी बारी नहीं आती थी और बेल बज जाती थी और कभी बारी नहीं आती थी। चार दिन ऐसे गुजर गए और पांचवें दिन ना मैंने हिम्मत करके मैं घुस गई। मैं बड़ा खुश हुई थी, पीछे से एक लड़की ने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ में जो सिक्के थे ना वो मालिन की टॉफियों वाली टोकरी में गिर गए। मैंने हाथ बढ़ा के फौरन से अपने सिक्के उठाने चाहे तो मालिन ने जोर से मुझे थप्पड़ मारा मुंह पे। दो दिन तक मैं यहाँ पे सूजा रहा था और मेरे पैसे भी सारे गिर गए थे। मैं रोती रोती क्लास में गई। तो मुझे बात याद आ गई, वो आप अपनी लव से ना आप ठीक कह रहे थे अपनी लव से कि मैं फूल हूँ और मैं लूजर भी। प्यार के सदके